नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत त्रिपाठी। आज हम मुहासों के बारे में बात करेंगे जो टीनेजर में एक समस्या बन चुका है। मुहासे होते क्या हैं? हमारे स्किन में एक सेबेसियस ग्लैंड होती है जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण हमारी स्किन मॉइस्ट रहती है। किसी कारण से उसके पोर ब्लॉक हो जाते हैं, चाहे वो डेड टिश्यू हो, डस्ट पार्टिकल हो, इसमें ऑयल कनेक्ट होने लग जाता है। इस कंडीशन को हम मुहासे बोलते हैं। इसमें क्या करना चाहिए जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? आपको हर 3-4 घंटे में अपना चेहरा साफ कर लेना चाहिए। डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर में नरिशमेंट प्रॉपर पहुंच सके। स्किन के लिए रेड कलर और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे बोले जाते हैं, क्योंकि उनमें बीटा कैरोटीन होता है जो स्किन के लिए अच्छा है। प्रॉपर स्लीप, हमें 6-8 आवर्स तो स्लीप चाहिए जिससे हमारा शरीर रिपेयर होता है। वाटर इनटेक, एक एडल्ट को 3-5 लीटर वाटर डेली की रिक्वायरमेंट होती है जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए। आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बताना चाहूँगा जो इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दूध, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही, इसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाएं। जब ये पेस्ट सूखने लगे तो हल्के गुनगुने पानी से इसको धो लें, इसको अपनाएं। ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। आयुर्वेद की और जानकारियों के लिए मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा।